नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम दो आयामी आकृति के बारे में जानेंगे। माँ, ये दो आयामी आकृति किसे कहते हैं? गैफी, ये देखो, ये एक कागज है। इसके आमने सामने की रेखा बराबर है और ऊपर नीचे की रेखा एक समान है। ये कागज आयत आकार का है। आयत के दो किनारे एक समान होते हैं। गैफी, क्या तुम बता सकती हो रोटी का आकार कैसा होता है? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही, रोटी वृत्त आकार की होती है। वृत्त के कोई किनारे या रेखाएं नहीं होते हैं। ये देखो गैफी, मेरे सामने एक गत्ता रखा हुआ है। इसकी सभी रेखाएं बराबर है। तुम्हें क्या लगता है इसका आकार कैसा है? माँ, वर्ग। वर्ग के सभी रेखाएं एक समान होते हैं। बिल्कुल सही। बच्चों, गैफी की माँ के पास तीन रेखाओं वाला एक कार्ड है। क्या आप बता सकते हैं ये आकृति कौन सी है? शाबाश बच्चों, इसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन रेखाएं होती हैं। बच्चों, है ना ये मजेदार? आपके लिए भी यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। क्या आप इन चित्रों को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सी दो आयामी आकृति है? बच्चों, इस वीडियो में हमने दो आयामी आकृति के बारे में जाना है।